नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 की एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है उसके आधार पर यानी उसके सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर खत्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। मजा क्यों आने वाला है, इस कहानी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें ना एक 37 वर्ष का व्यापारी है जिसकी पत्नी है और 2 बच्चे हैं, और उन लोगों का सपना है कि वो समुद्र यात्रा करेंगे, और उनके रास्ते में बड़ी बाधाएं आती हैं और बाधाओं के साथ साथ बड़ा मनोरंजन भी और रोमांच भी रहता है, और उसका अनुभव हम इस चैप्टर को पढ़कर करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, आपको थोड़ी सी भी बोरिंग नहीं होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक प्रॉमिस करता हूं आपसे कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए धुआं होने वाला है, यानी आज इस वीडियो लेक्चर में आपको कोई भी डाउट मैं नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी बात, थोड़ा सा ध्यान देके समझना है क्योंकि कुछ मीनिंग्स ऐसी हैं जिन्हें आप पहली बार देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे टाइटल का नाम यानी चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में बात करें तो कहता है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। आप तो सीधी तरह से समझ गए होंगे कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मृत्यु से नहीं डरते, इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर, यदि हम सभी साथ हों। देखिए, पहली बात मैं बता दूं आपको कि ये जो चैप्टर का नाम है वास्तव में ये एक डायलॉग है। देखिए, इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया ना, ये एक डायलॉग है, ठीक है। दूसरी बात, इसके लेखक गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, जो ईस्ट है ये ईसर्ट है वास्तव में, EASRT, यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है ये, ठीक है। तो अगर आपकी बुक में गलत है तो इसको सही कर लेना है आपको, तो गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। चलिए, अबाउट द ऑथर आप पढ़ लेंगे। अबाउट द लेसन मैंने आपको बता ही दिया है कि 37 वर्ष का व्यापारी, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे समुद्र यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। चलिए, हिंदी अनुवाद सही था, हिंदी पर ध्यान मत दीजिएगा नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में मत बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 में माय वाइफ मैरी, ये जो 37 वर्ष का व्यापारी है वो अपनी बात कर रहा है कि 1976 जुलाई 1976 में माय वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, इनकी पत्नी का नाम मैरी है, सेंट जोनाथन 6 वर्ष का, 6 मतलब उसकी आयु बताई गई है, ठीक है। तो 6 वर्ष का सन मतलब बेटा जोनाथन, तो 6 वर्ष का बेटा जोनाथन, डॉटर सुजैन 7, 7 वर्ष की बेटी सुजैन, डॉटर मतलब बेटी, तो 7 वर्ष की बेटी सुजैन, एंड आई और मैंने, सेट सेल, सेल मतलब होता है समुद्र यात्रा के लिए रवाना होना, तो हम समुद्र यात्रा के लिए रवाना हो गए फ्रॉम प्लाईमाउथ, प्लाईमाउथ से इंग्लैंड, इंग्लैंड के, ठीक है। पहले सेंटेंस को इतना ही समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए, इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 में माय वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मेरी, सन जोनाथन, देखिए बार बार मैं रिवीजन करवाता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि इस चैप्टर को एक बार पढ़ने के बाद आपको कभी दोबारा पढ़ना ना पड़े, आप बुक देखें आपको चैप्टर याद हो जाए, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं रिवीजन करा करा के पढ़ा दूंगा आपको, कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 में माय वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन 6 वर्ष का, पुत्र जोनाथन, डॉटर सुजैन 7, 7 वर्ष की बेटी सुजैन, एंड आई और मैं, सेट सेल, समुद्र यात्रा के लिए रवाना हो गए फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से, ठीक है। टू डुप्लीकेट, डुप्लीकेट शब्द से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट का एक और मतलब समझिए कि यह दोहराई जाने वाली यात्रा थी या फिर ये दूसरी यात्रा थी। डुप्लीकेट का यहाँ पे ये मतलब है कि यह दूसरी यात्रा थी। द राउंड द वर्ल्ड, द राउंड द वर्ल्ड मतलब होता है संसार का चक्कर लगाने वाली, वोयेज मतलब समुद्री यात्रा, तो संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्राओं में से यह दूसरी यात्रा थी, यानी इनकी यात्रा दूसरी थी, तो पहली यात्रा किसने की थी, आगे बता रहे हैं। पहले देखिए, डुप्लीकेट, यह दूसरी यात्रा थी, द राउंड द वर्ल्ड वोएज, वोएज मतलब समुद्री यात्रा, तो संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्राओं में से हमारी यात्रा दूसरी यात्रा थी, मेड 200 ईयर्स अर्लियर, क्योंकि 200 वर्ष पहले अर्लियर, यानी 200 वर्ष पहले, बाई कैप्टन जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक ने क्या किया था, संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा की थी,
आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक ने संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा की थी और हमारी यात्रा दूसरी समुद्री यात्रा थी। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सीधा सीधा सा है कि डुप्लीकेट हमारी दो यात्रा दूसरी यात्रा थी, द राउंड वर्ल्ड द वर्ल्ड वॉयज, संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्राओं में से, क्योंकि मेड 200 ईयर्स अर्लियर, 200 वर्ष पहले, बाई कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा संसार का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा की गई थी। ठीक है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय तक, लॉन्गेस्ट टाइम मतलब लंबे समय तक, मैरी एंड आई और मैं, लंबे समय तक मैरी और मैंने 37 ईयर्स ओल्ड, एक 37 वर्ष बूढ़ा बिजनेसमैन, यानी 37 वर्ष की उम्र वाला व्यापारी, ठीक है, यानी जो पुरुष है उसकी आयु 37 वर्ष है, तो 37 वर्ष का व्यापारी, फिर से फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय तक मैरी और मैंने 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, जो कि 37 वर्ष का बिजनेसमैन यानी व्यापारी हूँ, है ड्रीम्ड, स्वप्न देखा था ऑफ सेलिंग, समुद्री यात्रा का, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध नाविकों के बाद, यानी प्रसिद्ध नाविकों के बाद मैरी और मैंने हमने सेलिंग, समुद्र यात्रा का सपना देखा था, क्योंकि ये दूसरे लोगों को देखकर प्रभावित हुए थे। ठीक है, जैसे हम प्रभावित हो जाते हैं, अगर हमारे किसी फ्रेंड के पास 15,000 का फोन है तो हम भी उस कोशिश करते हैं ना कि हम भी 15,000 का फोन ले लें, तो उसी तरह से बहुत सारे प्रसिद्ध नाविकों ने समुद्र यात्रा की थी, तो अभी ये इनका भी स्वप्न था कि ये भी समुद्र यात्रा करें जैसे दूसरे लोगों ने किया है। ठीक है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय तक मैरी और मैंने यानी जो ये हैं अपने बारे में बता रहे हैं कि 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, मैं 37 वर्ष का एक व्यापारी हूँ, है ड्रीम्ड, स्वप्न देखा था ऑफ सेलिंग, समुद्री यात्रा का, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, प्रसिद्ध नाविकों के बाद, एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 सालों से, वी हैड स्पेंड, हमने खर्च कर दिया ऑल आवर लिज्योर टाइम, यानी हमारा सारा खाली समय, हमने हमारा सारा खाली समय नष्ट कर दिया ओनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स, समुद्र कुशलता सीखने में यानी समुद्री कुशलता को सीखने में हमने अपना सारा समय व्यर्थ कर दिया, समय बर्बाद, नष्ट कर दिया, स्पेंड मतलब होता है नष्ट करना, खर्च करना, तो हमने समुद्री कुशलता को सीखने में पिछले 16 साल से हमारा सारा खाली समय खर्च कर दिया इन ब्रिटिश वाटर्स, ब्रिटिश वाटर्स मतलब है ब्रिटेन के समुद्र में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे कहते हैं कि आवर बोट, हमारी नाव वी वॉकर, जिसका नाम इन्होंने रखा था वी वॉकर, तो हमारी नाव वी वॉकर 23 मीटर 23 मीटर की थी, 30 टन वुडन होल्ड और 30 टन भारी थी, वुडन होल्ड और लकड़ी की बनी थी, ब्यूटी सुंदर थी। ठीक है, क्या कह रहे हैं फिर से कि आवर बोट वेव वॉकर, हमारी नाव वेव वॉकर 23 मीटर 23 मीटर की थी, 30 टन भारी थी, वुडन हल्ड लकड़ी से बनी सुंदर नाव थी। ठीक है, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसे व्यवसायिक रूप से बनाया गया था, यानी बहुत ध्यान पूर्वक बनाया गया था, एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स, और हमने महीने खर्च किए थे, हमने महीनों बिताए थे फिटिंग इट, इसे फिट करने में, फिट करने में मतलब इस पर सभी जरूरी सामान लगाने में हमने महीनों बिताए थे, एंड टेस्टिंग इट, और इसका परीक्षण करने में, इन द रफेस्ट वेदर, सबसे खतरनाक या फिर सबसे भयंकर मौसम में, वी कुड फाइंड, जो हमें मिल सकता था, यानी जो सबसे खतरनाक मौसम हमें मिल सका उस मौसम में हमने इसे टेस्ट, इसका परीक्षण करने में महीनों बिताए थे, और इसे फिट करने में यानी इसकी सभी जरूरी सामान रखने में, आप चाहे तो सीधा सीधा फिट कह सकते हैं कि इसे फिट करने में हमने महीनों बिताए थे, यानी सीधी सी बात इतनी है कि इसे फिट करने में और
इसका परीक्षण करने में इन द रफेस्ट आवर रफेस्ट वेदर सबसे खराब मौसम में वी कुड फाइंड जो हम पा सकते थे यानी जो सबसे खराब मौसम हम पा सकते थे उस मौसम में इसका परीक्षण करने में और इसे फिट करने में हैड स्पेंड मंथ्स हमने महीनों बिताए थे। आसान है, आगे चलते हैं। तो द फर्स्ट लेग, आगे कह रहे हैं कि द फर्स्ट लेग मतलब होता है फर्स्ट मतलब प्रथम, लेग मतलब कदम, यानी प्रथम कदम या फिर प्रथम चरण ऑफ आवर प्लान 3 इयर्स यानी 3 वर्ष तक, यानी प्रथम चरण यानी पहली यात्रा करने में इनको 3 वर्ष लग गए। और यात्रा कहाँ से कहाँ तक की थी, एक यानी 1,05,000 किलोमीटर, यानी प्रथम चरण के दौरान हमने 3 वर्ष तक यात्रा की जिसमें 1,05,000 किलोमीटर लंबी यात्रा पास्ट प्लीजेंटली प्रसन्नतापूर्वक गुजर गई, प्रसन्नतापूर्वक बीत गई। ठीक है, यानी अपनी प्रारंभिक यात्रा के यानी प्रथम कदम प्रथम चरण के रूप में हमने 3 वर्ष तक यात्रा की जो कि 1,05,000 किलोमीटर यात्रा प्रसन्नतापूर्वक बीत गई। नीचे दिया है ना कि अपनी 3 वर्ष की 1,05,000 किलोमीटर लंबी आयोजित यात्रा का प्रथम चरण आगे अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक हंसी थूसी व्यतीत हो गया। यानी कहने का मतलब इनका है कि द फर्स्ट लेग, फर्स्ट लेग मतलब होता है भैया प्रथम चरण यानी शुरुआत जब इन्होंने की, तो शुरुआत इन्होंने कहाँ थी, शुरुआत की आवर प्लान 3 इयर्स यानी इन्हें प्रथम यात्रा करने में 3 वर्ष लगे, प्रथम चरण के रूप में हमने 3 वर्ष यात्रा की जो कि 1,05,000 किलोमीटर लंबी यात्रा प्रसन्नतापूर्वक बीत गई। एज वी सेल्ड, क्योंकि हमने यात्रा की थी, सेल मतलब समुद्र में यात्रा करना, डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिमी तट से टू केप टाउन, केप टाउन तक हमने अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक 1,05,000 किलोमीटर यात्रा की जो प्रसन्नतापूर्वक बीत गई। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 इयर्स यानी प्रथम चरण ऑफ आवर प्लान 3 इयर्स, आप इसे सीधा सीधा कहिए कि प्रथम चरण यानी अपनी 3 वर्ष की यात्रा के प्रथम चरण में, अपनी 3 वर्ष की यात्रा के प्रथम चरण में हमने 1,05,000 किलोमीटर लंबी यात्रा की जो प्रसन्नतापूर्वक बीत गई क्योंकि हमने यात्रा की थी डाउन द वेस्ट कोस्ट पश्चिमी कोस्ट से ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक। आसान है, कुछ भी नहीं है। देयर, इसके बाद बिफोर हीडिंग ईस्ट, पूर्व की ओर हीडिंग बढ़ने से बिफोर पहले, इसके बाद पूर्व की ओर बढ़ने से पहले वी टुक, टुक ही है, ऑन टू क्रूमैन, हमने 2 नाविक हायर किए यानी हमने 2 नाविकों को साथ लिया, मल्लाह भी बोलते हैं उनको जो समुद्रोद में तैरते रहते हैं यानी लोगों को डूबने से बचाते हैं ऐसे लोगों को, तो हमने पूर्व की ओर बढ़ने से पहले 2 मल्लाह लिए, अमेरिकन लैरी विजिल, पहले थे अमेरिका के लैरी विजिल एंड स्विस हब सेगलर, और स्विस हब सेगलर को, अमेरिका के लैरी विजिल और स्विस हब सेगलर को हमने लिया टू हेल्प अस, ताकि वो हमारी सहायता करें टैकल पार करने में या यात्रा पूरी करने में वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स, वर्ल्ड संसार के रफेस्ट सीज, रफ मतलब होता है कठिन यानी रफ मतलब होता है जो सबसे क्रूर हो, जो निर्दयी हो, तो सबसे निर्दयी समुद्र की द साउथर्न इंडियन ओशियन यानी साउथर्न दक्षिण के इंडियन ओशियन हिंद महासागर, दक्षिण के हिंद महासागर को, नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए छोटा छोटा, देयर बिफोर हीडिंग ईस्ट, देयर इसके पश्चात, बिफोर हीडिंग ईस्ट पूर्व की ओर बढ़ने से पहले वी टुक ऑन टू क्रूमैन, हमने 2 मल्लाह अपने साथ लिए, यहां तक हो गया छोड़ देते हैं, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हब सिगलर, अमेरिकी लैरी विजिल और स्विस हब सिगलर को, यहां तक हो गया छोड़ देते हैं, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज यानी टू हेल्प अस, ताकि वो हमारी सहायता करे
टैकल पार करने में वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, संसार के वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज यानी वर्ल्ड संसार के रफेस्ट सीज सबसे तूफानी समुद्रों में से एक यानी सबसे समुद्री तूफानों में से एक द साउथर्न इंडियन ओशियन यानी साउथर्न दक्षिणी हिंद महासागर को, ठीक है, यानी दक्षिणी हिंद महासागर, और उसे कह रहे हैं यहाँ पे कि वो सबसे रफेस्ट है। इतना समझ में आ गया? टू हेल्प अस, ताकि वो हमारी सहायता करें, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, संसार के सबसे तूफानी समुद्रों में से एक द साउथर्न इंडियन ओशियन दक्षिणी हिंद महासागर को पार करने में, आसान था, टू हेल्प अस टैकल पार करने में वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द साउथर्न इंडियन ओशियन, दक्षिण हिंद महासागर यानी दुनिया के सबसे तूफानी समुद्रों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर को पार करने में वो हमारी सहायता करें। आगे कहते हैं कि ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से आउट ऑफ निकलने के सेकेंड डे दूसरे दिन, केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन, केप टाउन से चलने के दूसरे दिन, वी बिगन टू इनकाउंटर, हमारा सामना हुआ स्ट्रॉन्ग गेल्स, प्रबल तूफानों से, बड़े बड़े तूफानों से, यानी केप टाउन से चलने के दूसरे दिन से वी बिगन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमारा सामना बड़े बड़े तूफानों से होने लगा, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक दे ब्लू कंटिन्यूसली, वे लगातार चलते रहे, यानी ऐसे तूफान थे जो हफ्तों तक लगातार चलते ही रहे, गेल्स यानी ये जो तूफान थे डिड नॉट वरी मी, मुझे तूफानों की चिंता नहीं थी यानी तूफानों से मुझे कोई भय नहीं था, बट द साइज ऑफ द वेव्स, लेकिन लहरों की जो ऊंचाई थी वाज अलार्मिंग, वो डराने वाली थी, यानी लहरों की ऊंचाई देखकर भय लग रहा था, अप टू 15 मीटर्स जो कि 15 मीटर ऊंची थी, एज हाई एज आवर मेन मस्ट, मेन मस्ट होता है मुख्य मस्तूल, मुख्य मस्तूल, मस्तूल होता है नाव में, मैं दिखा रहा हूं आपको, पहले इतना समझिए आप, एज हाई एज आवर मेन मस्ट यानी हमारी नाव के मुख्य मस्तूल जितनी ऊंची थी, फिर से कि ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से चलने के दूसरे दिन, वी बिगन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमारा मुकाबला भयंकर तूफानों से होने लगा, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वे लगातार चलते ही रहे, यानी अगले कुछ सप्ताह तक, कुछ हफ्तों तक वे लगातार चलते रहे, गेल्स डिड नॉट वरी मी, तूफानों की मुझे चिंता नहीं थी, तूफानों से मुझे कोई भय नहीं था, बट द साइज ऑफ द वेव्स, लेकिन जो लहरों की ऊंचाई थी वाज अलार्मिंग, वो भयावह थी यानी डरावनी थी, अप टू 15 मीटर्स जो कि 15 मीटर ऊंची थी, लहरें 15 मीटर ऊंची थी, एज हाई एज आवर मेन मस्ट, अगर आपको मुख्य मस्तूल नहीं आ रहा तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मुख्य मस्तूल, आपकी बुक में लिखा होगा, ठीक है, यानी हमारे नाव के मुख्य मस्तूल से के जितनी, यानी अप टू 15 मीटर्स लगभग 15 मीटर ऊंची, एज हाई एज आवर मेन मस्ट, उतनी ही ऊंची जितना हमारा नाव का मुख्य मस्तूल, यानी हमारे नाव के मुख्य मस्तूल के जितनी ही ऊंची 15 मीटर लहरें उठ रही थी। अब मुख्य मस्तूल क्या होता है उसे देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो ऊपरी हिस्सा है नाव का, ये इसे बोलते हैं मुख्य मस्तूल, ये जो सीधा डंडा है इसका सबसे ऊपरी हिस्सा, ठीक है, यानी आप सोचिए कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और लहर इतनी ऊंची उठ रही हो तो आपको डर नहीं लगेगा, तो यही चीज है, ये मस्तूल है, मुख्य मस्तूल, ठीक है, ये मेन खंभा, ठीक, इसकी सबसे ऊंची ऊंचाई, समझ रहे हैं, तो आप यहाँ पे बैठे हैं और आपके सामने इतनी ऊंची लहर आ जाए तो आपको डर नहीं लगेगा, लगेगा, तो ये चीज कह रहे हैं। आगे देखते हैं, दिसंबर 25, 25 दिसंबर को फाउंड अस 3500 किलोमीटर, यानी 25 दिसंबर तक हमने 3500 किलोमीटर यात्रा कर ली थी, ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व में ऑफ केप टाउन, केप टाउन के पूर्व में
25 दिसंबर तक हमने 3,500 किलोमीटर यात्रा कर ली थी। केप टाउन के ईस्ट मतलब पूर्व में दिसंबर 25 दिसंबर तक फाउंडस 35 किलोमीटर्स हमने 3,500 किलोमीटर लंबी यात्रा कर ली थी। डिस्पाइट एट्रोसियस, थोड़ा सा पेज मुड़ा हुआ है बट आपको मैनेज करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाता हूँ कैमरे की बट अगले लेक्चर में, आज मैं बहुत प्रॉब्लम में पढ़ा रहा हूँ आपको। तो डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस मतलब खराब, यानी जो मौसम था वो खराब था, असामान्य था, यानी मौसम जो था वो खराब था, यानी डिस्पाइट मतलब होता है बावजूद, ठीक है। तो मौसम खराब होने के बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, हमने एक वंडरफुल शानदार हॉलीडे छुट्टी मनाई। तो मौसम खराब होने के बावजूद हमने एक शानदार छुट्टी मनाई, कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री, एक क्रिसमस ट्री के साथ, यानी मौसम खराब होने के बावजूद भी हमने एक क्रिसमस ट्री के साथ शानदार छुट्टी मनाई। न्यू ईयर्स डे, नव वर्ष के दिन, सा नो इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं दिखा इन द वेदर, मौसम में, नए वर्ष के दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं दिखा, बट वी रीजन, लेकिन हमें विश्वास था दैट इट हैड टू चेंज सून, कि इट हैड टू चेंज सून, कि यह जो मौसम है हैड टू अवश्य ही चेंज सून, जल्द बदल जाएगा। देखिए कि न्यू ईयर्स डे शा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नए वर्ष के दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ, बट वी रीजन, लेकिन हमें यह विश्वास था दैट इट हैज टू चेंज सून, कि हमें यह विश्वास था कि मौसम जल्द ही बदल जाएगा, एंड इट डिड, और ऐसा ही हुआ, चेंज यानी मौसम बदल गया, द वर्स और भी भयंकर, यानी और वैसा ही हुआ, मौसम बदलकर और भी भयंकर हो गया, यानी और भी खराब हो गया, वर्स मतलब होता है बुरा। तो जैसा इन्होंने अनुमान किया था, तो कहते हैं कि एंड इट डिड चेंज, और यह बदल गया, फॉर द वर्स सबसे खराब हो गया, आप इसे ऐसे कहेंगे कि एंड इट डिड चेंज, और मौसम बदलकर, फॉर द वर्स और भी खराब हो गया, ठीक है। तो आज हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि जो कैमरा स्टैंड है वो मेरे पास है नहीं इस टाइम पे। तो अगला लेक्चर आपको फ्राइडे को मिलेगा, कल तो मैं हाई स्कूल का लेक्चर लूंगा, अगला लेक्चर आपको फ्राइडे को मिलेगा। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।